हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ करण बालियान और आज भाई एक ऐसा बॉम फट गया है, मजा ही आ गया भाई देखकर। मतलब जिस दिन का हम लोग सालों से इंतजार कर रहे थे कि हमारी सफारी और हैरियर की सेफ्टी रेटिंग्स कब आएगी, और आज फाइनली वो दिन आ गया है। ग्लोबल एनकैप ने दोनों कार्स के क्रैश टेस्ट करके सेफ्टी रेटिंग्स हमारे सामने रख दी है, और सेफ्टी रेटिंग्स देखने के बाद भाई जो मेरा दिमाग चकराया है ना, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सारे। कोई स्कोडा हो, फोक्सवैगन हो, महिंद्रा हो, कोई आसपास भी नहीं है। ग्लोबल एनकैप में आज तक टेस्ट की गई सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार बन चुकी है हमारी टाटा सफारी और टाटा हैरियर। देखो गाइस, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में तो बहुत सारी कार्स आती है, लेकिन वो कितने पॉइंट्स के साथ में 5 स्टार स्कोर कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हैरियर और सफारी ने इतने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं कि जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ग्लोबल एनकैप ने भी लिखा है, टाटा डिलीवर्स 5 स्टार ट्विन्स। भाई ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश की कंपनी टाटा मोटर्स इतना बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि अभी थोड़े से टाइम पहले तो इनमें इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स ऐड किए गए थे जब इनको फेसलिफ्ट मिला था, और अब इनकी सेफ्टी रेटिंग्स ने सारा सिस्टम हिला दिया है। भाई अब ऐसा रह क्या गया है जो हमको इन गाड़ियों में ना मिल रहा हो। अगर हम सफारी कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है XUV700। अब उस गाड़ी के पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट बचा है कि वो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आती है। नहीं तो फीचर्स की बात कर लो, रोड प्रेजेंस की बात कर लो, या फिर सेफ्टी की बात कर लो, हर चीज में सफारी उससे बहुत आगे निकल चुकी है। तो भाई पहले आप गाड़ी का क्रैश टेस्ट देखो, फिर मैं आपको इनकी सेफ्टी रेटिंग्स बताऊंगा। तो भाई ये है गाड़ी का फ्रंट कोलिजन टेस्ट 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और आप लोग देख सकते हो कि इतना तगड़ा इंपैक्ट होने के बाद भी गाड़ी के सारे पिलर्स इंटैक्ट है, एक छोटा सा बैंड तक नहीं आया है गाड़ी के किसी भी पिलर में। और जैसा कि आप लोग जानते ही होगी, ग्लोबल एनकैप के न्यू रूल्स के चलते अब गाड़ी को सिर्फ फ्रंट से ही नहीं बल्कि साइड से क्रैश टेस्ट करके देखा जाता है। लेकिन साइड क्रैश टेस्ट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का होता है जो कि फ्रंट क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करती है। तो भाई हैजर और सफारी ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है फ्रंट क्रैश टेस्ट में, तो जाहिर सी बात है कि इनका साइड क्रैश टेस्ट भी होना है। तो भाई साइड क्रैश टेस्ट किया जाता है दो तरीकों से। पहला तरीका तो ये है, ये वाला तरीका भाई किया जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और इस वाले टेस्ट में भाई दोनों ही गाड़ियों ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और अच्छी बात ये है कि सफारी और हैरियर दोनों ने ही बिल्कुल सेम सा परफॉर्म किया है, तो दोनों गाड़ियों की सेफ्टी आपको बिल्कुल ही सेम मिलने वाली है। और जो दूसरा तरीका है साइड से क्रैश टेस्ट करने का, वो है भाई ये वाला। और गाइस ये वाला टेस्ट किया जाता है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और इस वाले टेस्ट में बहुत सारी गाड़ियां सर्वाइव नहीं कर पाती है, लेकिन हैरियर और सफारी ने इसमें भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में कि इन्होंने कितने पॉइंट्स स्कोर किए अडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में। तो भाई अगर हम अडल्ट सेफ्टी की बात करें तो हैरियर और सफारी दोनों ने ही स्कोर किए हैं 33.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 34, मतलब कि सिर्फ आधा नंबर कटा है इनका। और अगर हम बात करें चाइल्ड सेफ्टी की तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों ने स्कोर किया है 45 पॉइंट्स आउट ऑफ 49, और भाई ये पॉइंट्स आज तक के हाईएस्ट हैं ग्लोबल एनकैप के सभी टेस्ट में। ग्लोबल एनकैप ने आज तक जितने भी टेस्ट किए हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने वाली गाड़ी बन चुकी है हमारी सफारी और टाटा हैरियर। तो गाइस उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना हमारी देश की कंपनी टाटा के बारे में। जल्दी ही मिलेगी एक और ऐसी वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थारी मारी राम राम।